बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 के अंदर मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल के अंदर आज हम मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ मियोसिस? इससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ी थी और उसके फिर सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है। सो मियोसिस एक सेल डिवीजन है, यानी एक किस्म के खोलिए जिस तरीके से तकसीम होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब हम देखेंगे कि ये माइटोसिस से डिफरेंट किस तरह है, ठीक है, स्पेशल टाइप क्यों है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इसमें क्या होता है, माइटोसिस से किस तरह डिफरेंट है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको क्रोमोसोम्स का आइडिया होना चाहिए कि जो बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स की मौजूदगी में होता है, ठीक है, की शक्ल में होता है, ठीक है, क्रोमोसोम जो कि सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं। सो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ हो जाते हैं, दे आर रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, कि इन मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। लाइक इन ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी 23 पेयर की शक्ल में होते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे, सिंपल 23 क्रोमोसोम्स बच जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक सेल जो है ना, सिंगल सेल, वो डिवाइड होता है किसके अंदर, फोर सेल्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मियोसिस के अंदर दो किस्म की मियोसिस होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो दोनों किस्म की मियोसिस के अंदर हम स्टडी करेंगे, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। सो मियोसिस क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे, दे बिकम्स हाफ। इन ह्यूमंस फॉर एग्जांपल जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 23 रह जाएंगे, सही। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स, लाइक इफ यू स्टडी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सिंगल सेल होता है, लाइक दिस इज अ सेल, और ये पहले दो में डिवाइड होता है, ठीक है, फिर ये आगे दो से चार में डिवाइड होता है और टिपिकल स्पर्म बनते हैं, ठीक है, जिस तरह स्पर्म आपको पता होना चाहिए कि ये मेल बॉडी के अंदर होता है, सही। इसी तरह ओवोजेनेसिस भी होता है कि एग डेवलप जो से फीमेल बॉडी के अंदर होता है, सही। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बता दूँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अमल आता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और इवन यानी हत्ता कि जो मियोसिस है वो हमेशा होती ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है। तो ये जो पहला फेज है जिसके अंदर ये दो में डिवाइड हो रहा है, इसे हम मियोसिस वन कहते हैं, इट इज़ नोन एज मियोसिस वन। और ये फिर जो दो से चार में डिवाइड हो रहा है, इट इज़ मियोसिस, सॉरी ये वन है, इट इज़ मियोसिस टू। तो आज हमने मियोसिस वन को टारगेट करना है, ठीक है, ओके। मियोसिस वन से पहले जाने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ, मसलन यहाँ पे जो थे ना क्रोमोसोम्स वो डिप्लॉइड थे, यानी टू एन थे, ठीक है, जिस तरह ये ऊपर मैंने 46 क्रोमोसोम्स आपको शो किए थे ना, 46 क्रोमोसोम्स बेसिकली दे आर 2n, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर 2n इन नंबर्स, और ये 23 सिंपल n है। 2n से क्या मिला था, इट इज़ डिप्लॉइड, सही, और n से क्या मिला था, इट इज़ हैप्लॉइड। सो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड की तरफ आते हैं। मसलन यहाँ पे ये 2n है, देन दीज स्पर्म्स आर हैप्लॉइड, ठीक है, यानी ये सिंगल n के साथ होंगे। सो अब हम चलते हैं मियोसिस वन की तरफ। सो मियोसिस वन की अगर हम बात करेंगे तो मियोसिस के अंदर अगेन फेजेस होंगे, सबसे पहले प्रोफेज वन, प्रोफेज वन इसे कहेंगे हम, और ये सबसे लेंथी फेज है, इट इज़ द मोस्ट लेंथी फेज, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, किस तरह लगता है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। प्रोफेज वन के बाद आएगा मेटाफेज वन,
मेटाफेज वन, मेटाफेज के बाद आ जाएगा एनाफेज वन, एनाफेज के बाद टेलोफेज वन, ठीक है। फिर टेलोफेज के बाद हमारे पास मियोसिस टू स्टार्ट होगी। इसके अलावा इसमें जो प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज सबसे लेंथी फेज था मैंने कहा। इसके अंदर फिर हम सब डिवीजन करते हैं, सब डिवीजन से बाद इनकी यानी एक कोर कह लें कि सब फेजेस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेप्टोपीन स्टडी करेंगे, लेप्टोपीन सॉरी लेप्टोटीन है, इट इज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, फिर उसके बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन, इधर लिख देता हूँ, तो थर्ड वन इट इज डिप्लोटीन, सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, सही, वन टू थ्री फोर फाइव। सो जो प्रोफेज वन है इसको हम अगेन फाइव फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, मियोसिस वन है सॉरी, ये इट इज मियोसिस वन, मियोसिस वन के अंदर हम प्रोफेज को मजीद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यानी प्रोफेज को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, हाउ प्रोफेज बिगिंस एंड हाउ इट वर्क्स। हाँ, सो प्रोफेज जो कि सबसे लेंथी फेज था, इसके अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, कहते हैं बल्कि क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसके अगर मैं शुरू में शॉर्ट समरी दूँ तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक दीज आर क्रोमोसोम्स, सही, एक मैं डिफरेंट कलर में बना देता हूँ, लाइक हियर इज द सेकंड वन, ठीक है, ये सेकंड वन क्रोमोसोम है। तो ये क्या करते हैं, अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल सिंपली एक्सचेंज देयर पार्ट्स, के मसलन इस वाले क्रोमोसोम के पास आधा हिस्सा ये ब्लैक वाला आ जाएगा, सही, और जबकि दूसरे वाले क्रोमोसोम के पास आधा हिस्सा ये ब्लू वाला आ जाएगा, सही। तो आपको आइडिया हो रहा है कि मसलन ये दो क्रोमोसोम से, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है ए और ये बी है, सही है, तो ए ने बी का आधा हिस्सा रखा है जबकि बी ने ए का आधा हिस्सा रखा है, आपको नजर आ रहा है। आपको क्रोमोसोम्स के पार्ट्स का कुछ अंदाजा होना चाहिए कि मसलन ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, और बीच में ये जो पार्ट होता है इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रोमेयर, ठीक है, आपको ये सेंट्रोमेयर थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा, सही, इस चल में थोड़ा सा कर देता हूँ, सेंट्रोमेयर, दोबारा लिख देता हूँ, मेयर, ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स जिसके अंदर जो पूरा एक लेग पोर्शन कह लें, ठीक है, वो क्रोमेटिड कहलाते हैं, और जो इसका सेंट्रल पार्ट जहाँ पे ये आपस में जुड़े होते हैं उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, सही। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिड्स के पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इन क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है कि क्रोमेटिड्स शेयर देयर पार्ट्स, ठीक है, कि वो अपने पार्ट्स को बेसिकली शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए और बी दो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर और ये दोनों आपस में पार्ट्स को शेयर कर रहे हैं, ओके। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि हाउ दिस हैपन्स, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती किस तरह है। तो इसके अंदर जो हमने फेजेस पढ़े थे, सबसे पहले क्या था, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन,
लेप्टोटीन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनए के अंदर इस तरह पड़े होते हैं, मसलन दिस इज द डीएनए, ओ सॉरी दिस इज द न्यूक्लियस, ये सेल है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो इरेगुलर पड़े होते हैं लाइक दिस, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लेप्टोटीन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अपने आप को विजिबल करेंगे, देख यानी विजिबल होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स हमें नज़र आना शुरू होंगे, इसके अलावा शॉर्ट तो विजिबल होंगे, इसके अलावा शॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स, शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, सही। तो ये सबसे पहला, और दूसरा क्लोज टू ईच अदर, कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, क्लोज टू ईच अदर। ये जो स्टेजेस हैं ये किस में होंगे, लेप्टोटीन के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे, कि क्रोमोसोम्स पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, ठीक है। कि इसी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बाज का साइनेप्सिस भी कहते हैं, ठीक है, समटाइम्स नोन एज, आल्सो नोन एज साइनेप्सिस, ठीक है। कि इसके किसने एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, तो जो इसके साथ नेक्स्ट वाला क्रोमोसोम होगा जो कि ब्लू कलर में है, वो इस तरह इसके साथ पेयर बनाएगा, सही। और वो क्या, उसी तरह हमारे पास इर्द गिर्द इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाहर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, सी एम ले देता हूँ मैं, अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एन एम, और ये क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग स्टार्ट करें, ये जाइगोटीन के अंदर होगा, ठीक है। जाइगोटीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आएगा, दैट इज पैकेटिन। पैकेटिन वो मरहला, सॉरी साथ लगा दिया, पैकेटिन, पैकेटिन वो स्टेज है, वो फेज है, वो मरहला है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स बेसिकली क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर पेयरिंग होगी, सिनेप्सिस हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग के अंदर होगी, सही। अच्छा एक और चीज़ पीछे मैं भूल गया कि जब ये आपस में पेयरिंग करते हैं, दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ, इसे हम कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन, सॉरी क्याज़मेटा नहीं से, बल्कि हम बायवेलेंट या टेट्राड कहेंगे, टेट्राड, ठीक है, क्योंकि चार क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, सही, तो इसे हम बायवेलेंट या फिर टेट्राड कहेंगे, सही। और ओके यहाँ पे हमारे पास पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर आएगी। सो अब हम थोड़ा क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में डायग्राम बनाता हूँ, लाइक दिस इज अ क्रोमोसोम, इनकी पेयरिंग हो चुकी है, मतलब जो नेक्स्ट क्रोमोसोम है वो बिल्कुल इसके साथ मौजूद है, सही। थोड़ी सी मैं इसकी क्रोमेटिड बढ़ा कर देता हूँ, लाइक क्रोमेटिड ऑफ दिस, तो इनके पार्ट्स आपस में वो टेट्राड बनाएंगे, ठीक है, जिस ये टेट्राड का स्ट्रक्चर है बेसिकली, दिस इज अ टेट्राड, और टेट्राड के बाद ये आपस में शेयर करेंगे, शेयरिंग में लाइक मैं अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ, इसकी जो क्रोमेटिड की आर्म होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, जबकि दूसरे की आर्म जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, सो दिस इज अ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कि क्रोमोसोम ये आपस में क्रोमेटिड्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। इसके अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं, सो प्रॉपर डेफिनेशन में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं कि मसलन जो एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर हों, मसलन अगर हम इसकी बात करें, सो ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, कि क्रोमेटिड्स
क्रोमेटिड्स ऑन अ सेम ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, ठीक है। और जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ब्लैक एंड ब्लू देखें तो ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। कि दो जो क्रॉसिंग वायर बेसिकली क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो से हैं ऑफ क्रोमोसोम्स कह लें, क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है बात कर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मतलब है कि वो क्रोमोसोम जिसमें कॉपीज होती है, मसलन ये अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही, यानी जिसके अंदर ये एक दूसरे की कॉपीज होती हैं। बेसिकली जब जी टू फेज होता है ना, अगर आपको सेल साइकिल थोड़ी बहुत याद हो, जी टू फेज के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, एक से दो में होते हैं, तो बेसिकली वो यही होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा डेवलप होता है, ठीक है, कि डबल कॉपीज होती हैं। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स शेयर देयर पार्ट्स, ठीक है, कि एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स कर लें, एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, ठीक है, बाय यहाँ पे क्याज्मा फॉर्मेशन होती है, क्याज्मा क्याज्मेटा फॉर्मेशन। सो दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेट करेंगे वो आपस में चीज़ें तब्दील, अपने क्रोमेटिड्स के कुछ हिस्से तब्दील करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्याज्मेटा फॉर्मेशन होती है, सही है। क्याज्मेटा यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, क्याज्मेटा फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपको शो कर देता हूँ किस तरह होती है, कि मसलन ये ठीक है, ये नहीं क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पार्ट्स को जब शेयर करने लगते हैं तो इनके दरमियान एक क्याज्मेटा फॉर्मेशन होती है, दिस इज नाउन एज क्याज्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि जो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ रहे हैं इसे हम क्याज्मेटा फॉर्मेशन कहेंगे। सो ये हो गया सारा पैकेटिन के बारे में, ठीक है, पैकेटिन जिसके अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर आ रही है, दैट इज थर्ड स्टेज। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि ये पैकअप स्टार्ट कर देंगे, बैकअप होना स्टार्ट कर देंगे, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर देंगे। इसे हम अगला जो फेज़ है उसे हम डिप्लोटीन का नाम देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फेज इज 4-1 इज डिप्लोटीन, सॉरी फिर मैं स्टार लूँ, सॉरी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स बैकअप करना स्टार्ट कर देंगे, यानी ये क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होगी, लाइक दिस इज क्रॉसिंग ओवर डन, यानी इसके पास दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा आ गया और दूसरे क्रोमोसोम के पास पहले वाले क्रोमोसोम का हिस्सा आ गया, ठीक है, और ये आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, इसे हम डिप्लोटीन कहेंगे। और डिप्लोटीन के बाद फिफ्थ स्टेज जिसे हमने डायकाइनेसिस कहा था, डायकाइनेसिस के अंदर भी क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होंगे। अच्छा बाज़ का क्या होता है कि क्रोमोसोम्स, बल्कि अक्सर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स सम पॉइंट से आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है, दे आर अटैच विद सम पॉइंट, खासतौर पर जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ से ये अटैच रहते हैं, इवन डायकाइनेसिस में भी अटैच रहते हैं, सही। सो डायकाइनेसिस में एडिशनल क्या होगा, अगर हम डिप्लोटीन में देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट, बाहर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, जबकि डायकाइनेसिस के अंदर एडिशनल ये चीज़ आएगी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो चुकी होगी, ठीक है, कि मसलन ये क्रोमोसोम्स देन दिस इज सेकंड वन, सही, और ये बीच में अटैच रहे हैं किसी पॉइंट पे, अटैचमेंट होती है अक्सर जहाँ पे खास तौर पर जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, वहाँ से ये अटैच रहते हैं। और फिर
इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो अब डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, लाइक इसके अंदर अब कहीं कहीं पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, कहीं पे नहीं होगी, सही। तो दे स्टार्ट डिसअपियरिंग, बाहर साइड प्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी बड़ी सारी। सो दिस इज सी एम और ये एन एम है। एन एम अब डिसअपियर होना शुरू हो और साथ साथ क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बीच में जो न्यूक्लियोलाई होते हैं, ठीक है, डार्क पोर्शन पड़े होते हैं बाज का, वो भी डिसअपियर हो चुके होते हैं। न्यूक्लियोलाई आल्सो ये भी डिसअपियर हो जाते हैं, ये नज़र नहीं आते, ठीक है। लाइक डिसअपियर से मुराद ये यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। सो ये हो गया प्रोफेज वन की स्टेजेस। अगले लेक्चर के अंदर हम आगे इसके मज़ीद स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे।